गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद अंकू। आप सभी को गणेश पूजा की, गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी हो और मोदक ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत कम इंग्रेडिएंट से झटपट बनने वाला मोदक रेसिपी। तो लेट्स हैव ए लुक ऑन द इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमने लिया है बेसन, बेसन अराउंड लाइक 200 ग्राम, एंड इसके हाफ क्वांटिटी में लाइक 100 ग्राम मैंने लिया है शुगर पाउडर, 100 ग्राम मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, दैट इज कोकोनट पाउडर, 100 ग्राम अराउंड ही मैंने लिया है घी। आपको बताया बेसन का कुछ भी बनाओ घी तो हाथ खोल के डालो तो ही अच्छा आएगा, वरना नहीं आएगा। वरना तो घी मैंने अच्छे से लिया है, बेसन में थोड़ा घी लगेगा, इट्स ओके ना, फैट इज ऑलवेज गुड फॉर हेल्थ। ओके, एंड मैंने लिया है 4 to 5 टेबल स्पून कप मिल्क। इसका जरूरत में पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, वो हम देखेंगे बाद में। एंड ड्राई फ्रूट्स, दैट इज ये बादाम मैंने कट कर लिया है, कैश्यू कट कर लिया है, थोड़ा सा किशमिस ले लिया है, एंड ये है इलायची पाउडर। ओके नाउ स्टार्ट। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है और मैंने गैस ऑन कर दिया है, और ये जो डेसिकेटेड कोकोनट है इसको जस्ट फॉर 2 मिनट्स लाइक विदाउट एनी ऑयल और घी, इसको मैं जस्ट 2 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे बस 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करने वाली हूँ, ताकि इसका जो रॉ है, रॉ फ्लेवर है वो थोड़ा खत्म हो जाए। तो जस्ट 2 मिनट। तो आप देख रहे हैं मैंने इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया, थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो गया, ज्यादा फ्राई नहीं करना है, तो इसको मैं प्लेट में अब निकाल लूंगी। ओके, देखिए थोड़ा सा ही कलर चेंज हुआ है, ज्यादा नहीं। ओके, सो इन द सेम पैन आई एम गोइंग टू टेक घी, अच्छे से भाई, बिल्कुल अच्छे से, दिल खोल के घी लीजिए। अरे एक दिन तो है, बप्पा का दिन है आज, आज तो बप्पा के टाइप हो जाएंगे। और इसमें हम डालेंगे सारा ड्राई फ्रूट्स, लेट द घी मेल्ट। ओके, तो मेरा घी मेल्ट हो गया है, इसमें मैं सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी एक्सेप्ट रेसिन, किशमिश नहीं डालूंगी, किशमिश थोड़ा भूनने के बाद ना थोड़ा और मोटू मोटू हो जाता है। तो इसको जस्ट फॉर 2 मिनट्स में, नॉट 2 मिनट्स, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक मैं इसमें फ्राई करूंगी। और हमारे ड्राई फ्रूट्स का कलर चेंज हो गया है, इसको मैं सेम प्लेट में जिसमें मैंने कोकोनट निकाला था उसी में निकाल लूंगी। ठीक है, इन द सेम पैन आई एम गोइंग टू एड आवर बेसन, और हम बेसन को भूनते रहेंगे जब तक लो टू हाई फ्लेम, सॉरी आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग इसको कर लीजिएगा सेट, जब तक इसका एक परफेक्ट टेक्सचर नहीं आ जाए तब तक हमें बेसन को भूनना है लो टू हाई। अब जैसा कि आप देख रहे हैं घी में हमारा बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हमें गैस को हाई बिल्कुल नहीं करना है, लो टू मीडियम पे गैस रखिएगा और इसको चलाते रहिएगा। 1 सेकंड के लिए भी अगर आप छोड़े ना तो ये जल जाएगा अंदर से, एंड इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर, विच वी डोंट वॉन्ट। एंड तब तक हमें इसको भूनना है जब तक कि बेसन खुद घी छोड़ ना दे, तो और लो टू मीडियम फ्लेम पे, और बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए और कलर चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें 5 मिनट्स टाइम लगेंगे, एंड ट्रस्ट मी जो टाइम लगेगा सिर्फ इसमें ही लगेगा। तो आप जो देख सकते हैं कि मेरा टेक्सचर, घी विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द बेसन टिल दैट पॉइंट, आप लोगों को फ्राई करना है एंड लगातार चलाते रहना है, कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा टेक्सचर आना चाहिए। देख रहे हैं, अब हम अपने इसमें डालेंगे जो भी मेरा कोकोनट पाउडर था और ड्राई फ्रूट्स था। ओके, इन सबको डालने के बाद आई विल मिक्स इट प्रॉपरली। तो इसको मैंने कोकोनट को और जो सारे ड्राई फ्रूट्स थे अच्छे से मिला लिया है, अब हम गैस बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि आप शुगर नहीं मिला सकते हैं ऑन गैस में, कि फिर वो काफी इसको हार्ड कर देगा, विच वी रियली डोंट वॉन्ट। इसमें शुगर ऐड करेंगे, शुगर पाउडर हम अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा कम मीठा, थोड़ा ज्यादा मीठा, आई थिंक इट इज डन। ओके, सो इट्स डन, एंड एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू ऐड दिस इलायची में, सॉरी किशमिश बच गया था तो किशमिश भी ऐड कर दूंगी, एंड दिस इज इलायची पाउडर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसमें शुगर पाउडर भी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मैं अपना गैस बिल्कुल बंद कर दूंगी एंड लेट इट कूल डाउन। इसको भी हाथ से बिल्कुल टच मत कीजिएगा क्योंकि बहुत गर्म है,
घी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है ना, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर से बहुत ज्यादा होता है, तो इसको बहुत हॉट है, सो लेट इट कूल डाउन कम्प्लीटली। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें इसमें दूध डालने की जरूरत है या फिर हमारा बिना दूध का ही हमारा मोदक अच्छे से बाइंड हो रहा है, वो हम आफ्टर दैट आई विल सी। एंड वन मोर थिंग आई नीड टू टेल यू, मेरे पास मोल्ड नहीं है तो मैं बिना मोल्ड के ही बनाऊंगी, इट विल कम परफेक्ट सेफ, डोंट वरी। ओके सो लेट इट कूल डाउन। अब मेरा मोदक ठंडा हो चुका है ये मिक्सर, एंड मैं इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करूंगी। तो देखिए ये शुगर चूंकि मेल्ट हुआ है चीनी, तो ये ज़्यादा ड्राई नहीं है, मुझे लगता है इससे बन जाएगा इजीली। और मैं थोड़ा सा इसमें घी और डाल देती हूँ, लाइक 1 स्पून अराउंड, ताकि थोड़ा सा रॉ घी का भी टेस्ट आए। इसको अच्छे से पहले आप हाथ से मिक्स कीजिए। तो मैंने पूरे मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लिया है, सारे मिक्सर को। अब एज पर वो कि आपको कितना साइज का बनाना है, तो मैं मीडियम साइज का रख लूंगी। तो इस तरह से पहले इसको लेंगे, दोनों हाथ में लेंगे, घी ऑलरेडी आपके हाथ में लग चुका होगा, नहीं लगा है तो थोड़ा और आप लगा सकते हैं। देखिए ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऊपर से ऐसे उठते हुए हम इसका एक अच्छा सा शेप देंगे। आपको चाहिए तो आप घी बीच बीच में लगा लीजिए हाथ में। तो देखिए ऐसा सिर्फ आ गया ना, इसको एकदम टाइट रखना है, एकदम होल्ड करके टाइट सा बनाना है। आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं बट नहीं, हम इसमें थोड़ा सा और कारीगरी करेंगे। ये लीजिए नाइफ, इससे हम हल्के हल्के, ज्यादा टाइट नहीं, फिर ये बाय खुलने लगेगा। ऐसे ऐसे देख रहे हैं ना आप, हल्के हल्के थोड़ी थोड़ी जगह पे हम इसमें अच्छे से लाइनिंग लगा देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरा मोदक बनके तैयार हो गया है। देखिए मैंने इस पे लाइनिंग भी लगा दी है, मैंने कुछ पे ही लाइनिंग लगाया है कुछ को ऐसे ही रखा है, कोई बात नहीं ना, बप्पा सब खा लेंगे। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, ट्रस्ट मी व्हेन आई वाज फ्राइंग इट, इसका जो एरोमा था ना, माय हाउस वाज फुल ऑफ एरोमा, एंड इसमें एक अलग टेस्ट जरूर आएगा क्योंकि मैंने कोकोनट इसमें अच्छे से मिलाया है, एंड पप्पा को कोकोनट पसंद भी है। तो आप लोग इसको घर पे जरूर ट्राई कीजिए, दिस इज इट टेक्स रियली लेस टाइम, एंड लेट मी नो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, डू लाइक माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई रेसिपी, एंड पुट इन कॉमेंट सेक्शन कि क्या आप लोगों की तरफ से कुछ है सजेशंस है इस रेसिपी को लेके। थैंक यू सो मच, प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऑल द वीडियोज एंड रेसिपीज आई पुट ऑन माई चैनल। थैंक यू सो मच।